दुखद खबर इस बीच आ रही है कि स्वर खोखला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, उनका निधन हो गया। ब्रीच कैंडी अस्पताल में पिछले 29 दिनों से वो एडमिट थी और आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। स्वर खोखला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये साझा की है कि अब लता मंगेशकर, लता दीदी जिन्हें हम प्यार से बुलाया करते थे, वो हमारे बीच नहीं रही। जिनका 6 दशकों का ये सफर बेहद अद्भुत रहा और उस सफर ने सभी को ऐसी यादें दी जो इस वक्त भी जहन में गूंज रही हैं। और सूरज ओझा ब्रीच कैंडी अस्पताल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जैन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, वो दुखद खबर कि अब लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। अभी अभी 2 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जो कि 92 साल की हैं और पिछले 4 हफ्तों से, यानी कि 8 और 9 तारीख की जनवरी की दरमियानी रात से जो अस्पताल में भर्ती है, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से भर्ती थी, उनका निधन हो गया है। कुछ ही देर पहले शिवसेना के बहुत बड़े नेता संजय राउत ने ये जानकारी दी थी ट्वीट के जरिए कि एक युग समाप्त हो गया है। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में रही है। काफी बहुत ही जाबाजी से उन्होंने जीवन और मौत का संघर्ष किया संजय राउत ने। 4 हफ्तों ऑफिशियल एक तरह से कहा जाए कि नितिन गडकरी ने इस बात, इस खबर पर जिसका डर था उस पर मोहर लगा दी है।